1991 से लेकर 2022 तक कुछ फैसले किए हैं, और जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने फिर भी गुटनिरपेक्षता को कटघरे में खड़ा नहीं किया, गुटनिरपेक्षता को जिंदा रखा। पर जब से एनडीए भाजपा की सरकार बनी है, इन्होंने अमेरिका के साथ वो फाउंडेशनल अरेंजमेंट्स सारे दस्तखत किए हैं, जो एक तरह से क्या, जो रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से भारत को अमेरिका के साथ अलाइन करते हैं। उसके अलावा भारत ने दोबारा से जो क्वाड है उसको पुनर्जीवित किया है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर। तो इस परिस्थिति में आज जब वो सब देश एक तरफ खड़े हैं, तो भारत अगर ये दोबारा से गुटनिरपेक्षता की नीति की तरफ वापस जाएगा तो उसके परिणाम तो होंगे।